पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबी महाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इंतखाबी टिकट्स के इजरा के अमल का आगाज करने का फैसला, इमरान खान का शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत ने मशावरत के बाद फैसला किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के अजरा का अमल शुरू किया जाए। इसके लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू करने का फैसला किया है। पार्लियामानी बोर्ड्स और पार्टी तंजीमों की जानब से हर नशिस्त पर जो है वो तीन नाम रिकमेंड किए गए हैं और इमरान खान हर नशिस्त पर इन तीन उम्मीदवारों के जो है वो इंटरव्यू करेंगे। आज जो है वो इम्तहान है कि शाम तक जो है वो तमाम इजला के मुतलक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि किस रोज किस नशिस्त पर जो है वो इमरान खान जो मुतल उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू करेंगे। और पीटीआई जो है वो अगले हफ्ते तक जो है वो टिकटों के अजरा के लिए फिर मरकजी पार्लियामानी बोर्ड का इजलास बुलाकर टिकटों की अलॉटमेंट और जो है अवार्ड है वो करना शुरू कर देगी। इसलिए पीटीआई की क्यादत का कहना है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है, उम्मीद है कि जल्द इंतखाबी तारीख मिल जाएगी, उससे पहले पहले पीटीआई अपने टिकटों के अमल को मुकम्मल करना चाहती है। जी जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।